नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटरमिनेसी एंड इंडिटरमिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो देखो, डिटरमिनेसी और इंडिटरमिनेसी होती है, उसकी बात करें स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की, ठीक है। स्टैटिक होती है दो टाइप की, एक होती है एक्सटर्नल, ठीक है, और एक होती है इंटरनल। अब कहाँ पे इंटरनल आएगी, कहाँ पे एक्सटर्नल आएगी? जहाँ पे आपको कोई फ्रेम दिख रहा है जो क्लोज है, ठीक है। क्लोज का मतलब जैसे मान लो अभी क्लोज नहीं है, खुला हुआ है। अगर आपने एक और यहाँ पे, सॉरी वापस मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, एक फ्रेम है ये, ठीक है। फ्रेम ये लग रहा है अभी तो ये ओपन है, ठीक है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हो। ओपन मतलब किसी पर किसी भी साइड से आपका ये खुला हो। अब इसको क्या कर दिया, एक और आपने ये सपोर्ट लगाया और ये आप क्लोज कर दिया, तो एक यहाँ पे ये जो क्लोज लूप है एक लूप बन गया एक तरह से। तो जहाँ पे क्लोज लूप है वहाँ पे इंटरनल इंडिटरमिनेसी जनरेट हो जाती है। तो हम बात करते हैं एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी और इंटरनल इंडिटरमिनेसी। तो देखो, इसके कई मेथड्स हैं निकालने के। वैसे अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओ तो ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। आपको पिन जॉइंटेड अगर फ्रेम है, पिन जॉइंटेड अगर आपका ट्रस है, पिन जॉइंटेड ट्रस होती है जिसके अंदर सारे सपोर्ट्स, जैसे मान लो एक सपोर्ट्स की हम बात करते हैं, फिक्स सपोर्ट होता है, उस पर पिन नहीं होता, इस पर तीन टाइप की रिएक्शन आती है, ठीक है। दो तो आपकी एक ही वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल, और एक मोमेंट जनरेट हो जाता है। दूसरा हम बात करते हैं पिन जॉइंटेड की। तो पिन जॉइंटेड क्या होता है, यहाँ से एक्स वाई डायरेक्शन में फिक्स होता है, तो यहाँ कोई रिएक्शन जनरेट हो जाती है, और मोमेंट क्योंकि ये घूमने के लिए अलाउ होता है, तो यहाँ पे मोमेंट जनरेट नहीं हो पाता है, तो मोमेंट यहाँ पे जीरो होता है। तीसरा हम बात करते हैं रोलर सपोर्ट की। तो देखो, ये रोलर है, ठीक है, और यहाँ पे ये बीम अटैच है। तो देखो, यहाँ पे रोटेशन अलाउ है, अलाउ है, तो मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इस डायरेक्शन में ये रोलर है, तो मोमेंट इस डायरेक्शन में अलाउ है, तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन कोई आएगी नहीं। जहाँ पे आपका, देखो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, अगर आप एक्शन लगा रहे हो तो आपको वहाँ पे रिएक्शन मिलेगा। जब कोई अगर वहाँ पे रिएक्शन लगाने वाला होगा तो वहाँ पे फोर्स जनरेट हो जाती है। यानी मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में लोड लगा रहा हूँ तो ये सपोर्ट यहाँ पे फिक्स है, इसको मूव करने के लिए मूव नहीं करने दे रहा, तो वहाँ पे कुछ रिएक्शन जनरेट हो जाती है। तो आप सिंपली याद रखो कि फिक्स सपोर्ट अगर है, फिक्स सपोर्ट में तीन रिएक्शन, आपका पिन जॉइंट में दो रिएक्शन, और रोलर सपोर्ट है तो उसके अंदर कितनी रिएक्शन आई, एक रिएक्शन आई। मैं बता दी कौन कौन सी रिएक्शन आएगी। आप चलते हैं डिटरमिनेसी और इंडिटरमिनेसी पे। आपको अगर सीधा निकालना फॉर्मूले से, तो पिन जॉइंटेड में 2D फ्रेम है तो एम प्लस आर माइनस 2J, 3D फ्रेम है एम प्लस आर माइनस 3J, रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स में 2D फ्रेम है तो 3M प्लस आर माइनस 3J, 3D फ्रेम है 6M प्लस आर माइनस 6J, या फिर 3C। ये देखो 3C और 6C है ना, क्योंकि रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स में अगर आपका लूप बन रहा है, ठीक है, लूप बन रहा है क्लोज लूप, तो सी है क्लोज लूप के नंबर कितने हैं, क्लोज लूप। मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा आपको। उसके बाद में अगर तुम्हें एक्सटर्नल निकालनी है तो एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है 2D के अंदर आर माइनस 3, आर यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन है, कितनी रिएक्शन जनरेट हो रही है। क्योंकि 2D फ्रेम की जब बात करते हैं तो 2D के अंदर नंबर ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम जनरेट होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतने एक फिक्स सपोर्ट है, कितने रिएक्शन जनरेट होते हैं, 3। एक सिंपल मेंबर की भी बात करें, फ्रेम है, फ्रेम मेंबर, तो इसके इसी पॉइंट पर अगर हम बात करें, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे 3 फोर्स जनरेट हो सकते हैं। यहाँ पे आपका एक्सियल फोर्स, ठीक है, आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। जब हम बात करते हैं किसी बीम के क्रॉस सेक्शन की, तो उसमें कितने टाइप के फोर्सेस जनरेट हो सकते हैं, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग, ठीक है। तो कहाँ की रामलीला काम होती, ठीक है, मैं समझाने जा रहा था डिटरमिनेसी और इंडिटरमिनेसी। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात कर लेते हैं, ये समझ आ गया, सीधा फॉर्मूला याद कर लेगा। फिर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात कर लेते हैं, पिन जॉइंटेड फ्रेम्स के अंदर 2D के अंदर डी के काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होती है 2J माइनस आर, 3D में होता है 3J माइनस आर। रिजिड जॉइंटेड की बात करते हैं 3J माइनस ई, आर ही है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3J माइनस आर, और इसको 3J माइनस ई लिख सकते हैं। 3D की बात करते हैं तो 6J माइनस आर होता है, ठीक। एक बात और बता देता हूँ, जब हम बात करते हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की, तो इसमें दो कंडीशंस होती है। एक होता है मतलब नंबर ऑफ फ्री मोमेंट्स अलाउ, कि मान लो एक रोलर है तो रोलर में जस्ट अपोजिट टू इंडिटरमिनेसी कितने मोमेंट्स अलाउ है, यहाँ पे एक यहाँ से अलाउ है मोमेंट, ठीक है, और एक आपका यहाँ से रोलिंग अलाउ है, तो इसमें डिटरमिनेसी कितनी काइनेमेटिक, 2 होगी। तो आप या तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो या फिर सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपको गिवन है, फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने जो सेलेक्ट किया है क्वेश्चंस गुप्ता एंड गुप्ता से, उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में। आपका जो मेंबर है वो एक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल की बात करेंगे तो वहाँ पे एक समझ आएगी कि मेंबर आपका डिफॉर्मेबल है या नॉन डिफॉर्मेबल है, ठीक है। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, वो आपका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में काम आता है। बाकी आपके गुप्ता एंड गुप्ता के तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस मेथड से, जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाई फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ ए प्लेन स्ट्रक्चर। देखो, प्लेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन, सममिशन वी इक्वल टू जीरो, वर्टिकल फोर्सेस का सम जीरो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम जीरो और मोमेंट्स का सम जीरो, ये तीन इक्वेशन हमको रिक्वायर होती है, ठीक है। जब हम बात करते हैं 3D स्ट्रक्चर की, ठीक है, यहाँ पर प्लेन स्ट्रक्चर ना होता और 3D स्ट्रक्चर हो जाता, तो वहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस आ जाते हैं, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट जो अपने इक्वेशन चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है, 6 चाहिए होती है। तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाई फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए प्लेन स्ट्रक्चर इज 3, ठीक है। उसके बाद में इफ देयर आर एम अननोन नंबर फोर्सेस, ठीक है, आर अननोन रिएक्शंस, जे नंबर ऑफ जॉइंट्स, तो आपको पूछा है कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ ए पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्लेन फ्रेम और पिन जॉइंट, हमने यहाँ पे देखा था पिन जॉइंट और ये प्लेन फ्रेम, 2D मतलब प्लेन फ्रेम या, ठीक है, तो एम प्लस आर माइनस 2J, इसका आंसर हो जाएगा एम प्लस आर माइनस 2J, ऑप्शन सी इज राइट। तीसरा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्सेस इन ईच मेंबर ऑफ रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। देखो, मैंने ये बात आपको पहले बता दी कि प्लेन फ्रेम है उसके हर मेंबर के अंदर, हर मेंबर के अंदर नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स, तो तीन होते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर बात करते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम हैविंग 15 मेंबर्स एंड 3 रिएक्शन कंपोनेंट्स 14 जॉइंट्स। इसको आप सिंपली फॉर्मूला लगा के देखो, कह रहा है कि रिजिड जॉइंटेड फ्रेम है और उसके अंदर 2D है, तो 3M प्लस आर माइनस 3J, ठीक है, तो 3 × m 15 × 45 प्लस m मेंबर्स, सॉरी आर, तो 45 प्लस 3 कितने में, देखो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, 3M प्लस आर माइनस 3J, 3 × 15
प्लस थ्री माइनस थ्री इंटू फोर्टीन कितना आएगा, फोर्टीन सिक्स, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चौथा क्वेश्चन कहता है कि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिपेंडेंस ऑफ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम मुझे मैंने पता, फिर है इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट एट ईच जॉइंट ऑफ रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम आर। तो देखो ये पूछ रहा है कि आपका रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम में इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, रोटेशन, वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, तीन होते हैं, तो कौन कौन से, टू लीनियर मूवमेंट्स एंड वन रोटेशन, ठीक है, यही होते हैं अननोन इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स। हर जॉइंट पे यही पॉसिबल हो सकते हैं। सातवां है इफ इन प्लेन पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम एम प्लस आर इज ग्रेटर देन टू जे तो क्या होगा। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, अगर स्टैटिक इंडिटरमिनेट स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एम प्लस आर माइनस टू जे इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर ये ज्यादा होगा एम प्लस आर इससे, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो से ज्यादा कुछ वैल्यू आएगी, जीरो से ज्यादा वैल्यू आएगी इसका मतलब है आपकी स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है, ठीक है, तो और स्टेबल की कंडीशन अनस्टेबल होगी और इंडिटरमिनेट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आठवां क्वेश्चन क्या, पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम इज अनस्टेबल, अब इनस्टेबल की कंडीशन एम प्लस आर माइनस टू जे, वही फॉर्मूला लगाओ आप एम प्लस आर माइनस टू जे, तो एम प्लस आर इज लेस देन टू जे अगर होगा तो माइनस में कुछ वैल्यू आएगी, माइनस में वैल्यू आएगी तब अनस्टेबल होगा, तो ये कंडीशन होगी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिमिलरली ये सारे फॉर्मूले बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, मैं जो इंपॉर्टेंट है उस पर बताता हूँ। दसवां क्वेश्चन है अनस्टेबल कौन सा होगा, तो ये देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये फिक्स है यहाँ से पिन है, ठीक है, फिर पिन है और रोलर, तो देखो पिन 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 यहाँ से मोमेंट अलाउगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसका जब डिफॉर्मेशन शेप देखोगे आप अनस्टेबल की कंडीशन होगी पहला वाला में, ठीक है। और दूसरा आप ये भी देख सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई करो थ्री एम प्लस आर, ठीक है, मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल इन एक्सटेंसिबल वो तो डिफरेंस लगता है, एम प्लस आर माइनस थ्री जैसे थ्री एम प्लस आर माइनस थ्री जे फॉर्मूला लगा देखो वहाँ से पता चल जाएगा आपको। ग्यारह क्वेश्चन है काइनेमेटिक इंडिपेंडेंस ऑफ बीम, तो इसमें क्या होगा कौन सा बोल रहा थ्री जे माइनस आर फॉर्मूला लगेगा, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, थ्री इंटू जे, ठीक है, माइनस आर आर एक दो तीन चार पाँच, पाँच पाँच रिएक्शन होगी और रिएक्शन को ये दो पिन जॉइंट लगे हुए हैं तो पाँच माइनस दो टोटल कितनी रिएक्शन होगी थ्री, ठीक है, तो थ्री जे माइनस आर ये हो गया कितना वहाँ से छत्तीस अठारह माइनस तीन पंद्रह, ठीक है, अब पंद्रह ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका आएगा एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल का। हम ये मान के चलते हैं क्वेश्चन में कि आपके जो मेंबर्स है वो एक्सटेंसिबल है मतलब डिफॉर्मेबल है, उनमें डिफॉर्मेशन अलाउ है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स घटा देते हैं, यहाँ पे बात आ रही है काइनेमेटिक इंडिपेंडेंस की, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं इसमें एक दो तीन चार पाँच मेंबर्स इसमें घटा दिए तो कितना आएगा दस आंसर आ जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो दस। उसके बाद रिजिड जॉइंट फ्रेम में सीधा फॉर्मूला होगा आपका, अब देखो ये तो क्या है इसमें आपको टोटल भी निकालो या तो फॉर्मूले से या फिर इसमें ना एक्सटर्नल निकालने की जरूरत है, एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या है ये देखो आर माइनस थ्री, ठीक है, टू डी है आर माइनस थ्री लगाओ आर यहाँ पे कितने आर है एक दो और तीन, तो तीन माइनस तीन जीरो स्टेबल है और स्टेटिकली डिटरमिनेंट बी ऑप्शन हो जाएगा। सोलह थर्टीन द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिपेंडेंस ऑफ पिन जॉइंटेड फ्रेम इज शोन, तो इसकी क्या होगी इसके अंदर आप लगाओ थ्री जे माइनस आर तो वन टू थ्री थ्री इंटू थ्री माइनस आर रिएक्शन कितनी है दो यहाँ पे होगी और दो यहाँ पे होगी, ठीक है, तो चार बैठा दिए तो नौ में चार बैठे पाँच आएगा। उसके अलावा अब ये देखो अच्छा सॉरी ये तो आपका पिन जॉइंटेड है तो पिन जॉइंट में क्या होगा टू जे माइनस आर तो टू इंटू जे वन टू थ्री सिक्स माइनस रिएक्शन कंपोनेंट कितने हुए चार, अच्छा एक फ्रेम की बात कर रहा है पिन के अंदर एक रिएक्शन आता है अच्छा वर्टिकल रिएक्शन आता है दो आंसर हुए थर्टीन का आंसर देख रहे थे थर्टीन तेरह में सी आंसर है सही है दो, ठीक है टू जे माइनस आर फॉर्मूला लगेगा इसमें टू इंटू जे माइनस आर तो टू इंटू जॉइंट्स नंबर ऑफ जॉइंट्स थ्री माइनस रिएक्शन कंपोनेंट्स कितने हो गए चार तो दो आंसर हो गए। उसके अलावा द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन टू बी सेटिस्फाई फॉर स्टैटिक इक्वेशन इन स्पेस पर स्ट्रेस फ्रेम में सिक्स बताया दिया था बाकी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है सारे। फिफ्टी फिफ्थ क्या है इसमें सीधा स्टैटिक इंडिपेंडेंस तो क्या हो रहा है एक्सटर्नल निकाल लो क्लोज भाई नहीं तो है माइनस थ्री थ्री हो गया यहाँ पे बात करो आप सीधा काइनेमेटिक इंडिपेंडेंस की एक तो देखो वो कॉन्सेप्ट भी लग सकता है इतने मोमेंट्स अलावा यहाँ पे एक यहाँ पे अलावा सॉरी ये है आपका एक यहाँ पे अलावा एक यहाँ पे फिर यहाँ पे एक इधर डायरेक्शन में कितने हुए पाँच हुए